गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर और का टॉपिक सेवा समावेश। देखिए महाभूषण प्रसिद्ध है वीर रस की कविता लिखने के लिए। इन्होंने ना कभी भक्ति न श्रृंगार न कुछ, सारी चीजें वीरतापूर्वक लिखी है। और ये लेसन भी थोड़ा कठिन है, ध्यान से समझिए। इसमें इन्होंने अपने युद्ध के विषय में, शिवाजी के युद्ध के विषय में वर्णन किया है। साध चतुरंग सैन अंग में उमंग धार, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भरत नाद बियर नगारन के, नदी नद मद कैबरन के रगत है। पैर पैर है भय खड़क में गैर गैर, गजर की खैल पर सैर उसत है। तारा पर तरंग धूल धारा में नगत जिन, धारा पर पारा पारावार यो हलत है। अब इसमें आपको छाने क्वेश्चन, प्रश्न नंबर पहला, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो रचना का नाम है शिवा शौर्य, रचनाकार का नाम है महाकवि भूषण। प्रश्न नंबर दो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित तो दो है केवल, आपको परीक्षा में केवल जो कह रहा उतना ही करना, इतना नहीं करना। लेकिन हम आपको जितने भी पढ़ा रहे हैं सारे पैरा का अर्थ बता रहे हैं, ताकि आप पढ़ते साथ समझते भी जाए। तो देखो, साध चतुरंग सैन अंग में उमंग धार, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। चतुरंग माने क्या होता है? चतुरंगनी सेना। चतुरंगनी सेना किसे कहते हैं? जिसमें चार प्रकार के योद्धा हों। कौन? हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ। यानी रथ पे सवार होकर, हाथी पर सवार होकर, घोड़े पर सवार होकर और पैदल, ये चार प्रकार से जब चलते हैं सैनिक तो उसे कहते हैं चतुरंगनी सेना। ठीक, सैन सेना। अंग में उमंग धार, अंग क्या? शरीर के अंग। उमंग माने उत्साह से भरकर। सर्जा क्या है? सर्जा शिवाजी की उपाधि, शिवाजी की उपाधि दी गई थी सर्जा। जंग जीतन चलत है, जंग माने युद्ध, जीतन माने जीतने। अब इसका अर्थ बना लीजिए, मैंने समय बता दी। देखिए बड़ा सवाल है, महाराज शिवाजी अपनी चतुरंगनी सेना को सजा कर यानी तैयार करके अंग में उमंग धार, अपने शरीर के प्रत्येक अंग में उत्साह धारण करके, उमंग धारण करके सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। यानी महाराज शिवाजी युद्ध को जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं। यह इसका अर्थ है। अब तीसरी लाइन, भूषण भरत नाद बियर नगारण के। भरत भरत माने जो आवाज, और नाद माने सद, बियर माने बेहद बड़े, और नगारण माने नगारे। नदी नद मद गैवरन के रथ हैं। गैवरन माने हाथी, रथ माने बहरा, मद माने, देखो हाथी को मदांत कहा गया, मतवाला कहा गया, मस्त कहा गया, ऐसे नहीं कहा गया। देखा होगा गांव से हाथी के जो कनपटी, कनपटी सबके में होती है, हमारे आपके भी है, कान के पास होती है, इसे हम लोग कनपटी कहते हैं, ऐसे हाथी के पास होती है। तो हाथी के कनपटी से मद माने न उसको हम खून कह सकते हैं, न पानी कह सकते हैं, मदान यानी जो उसके अंदर मद भरा है वो बाहर करता है रक्त की तरह। तो उसका वर्णन कैसे किया है कि जब युद्ध की तैयारी हो रही थी, बड़े बड़े नगाड़े बजाए जा रहे थे, इन्होंने युद्ध के बाजे, तो उनके शब्दों की आवाज़ सुनकर, भूषण कवि कहते हैं नगाड़ों की आवाज़ को सुनकर नदी नद, नदियाँ
नद मन छोटी नदी, नदी नद और मन के रथ है और हाथियों के कलपति से बहने वाला मद नदी के समान बहरा। यह असहयोग धर्म का यहाँ पर है क्योंकि बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। अब देखिए आयु भैर 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 खलक मैं गैर 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 माने होता गली गली में, खलक माने संसार, खैर भैर माने खलबली मचाना और आयु भैर माने फैलाव मचाना। यानी कि इनकी सेना इतनी पिसाव थी कि बड़े चले लेकर के ढेर करके चल रही थी आपस में और ऐसा लग रहा था कि संसार की कोई ऐसी गली नहीं बची जिसमें इन्होंने इनकी सेना ने खलबली मचा दी। गजन की थैल पर सैल उछल सैल वाले पर्वत थैल पर उन्होंने एक दूसरे का धक्का मुक्ति कर दिया। यानी इतनी भयंकर भेंट थी इनकी सेना में कि हाथियों की धक्का मुक्ति से या एक दूसरे के धक्का मारने सकने से ऐसा लगता था कि ये देखकर बड़े बड़े विशाल पर्वत गिर पड़ते थे, हिल जाते थे। तारा सो तरंग धूल धारा में लगत जी था प्रवाला पानी भरता भी इसका में लिख दिया है। विशाल सेना के चलने से बहुत अधिक धूल उड़ रही थी, अधिक धूल उड़ने के कारण आकाश में चमकता हुआ सूर्य तारे के समान लग रहा था। समुद्र इस प्रकार कांप रहा था, इस प्रकार हिल रहा था जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। ये इसकी व्याख्या हुई जो आपको लिखना है और जो पढ़ाया है ये आपको तैयार करना है। प्रश्न नंबर 3, शिवाजी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था, उनकी चतुर्भुज सेना में कौन कौन थे, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये मिल गया इसमें। शिवाजी को सज्जा उपाधि से विभूषित किया गया था, उनकी चतुर्भुज सेना में पैदल हाथी घोड़े और रथ थे। प्रश्न नंबर 4, युद्ध के लिए शिवाजी के प्रस्थान के समय किसका मन किस प्रकार बह रहा था। उत्तर, युद्ध के लिए शिवाजी के प्रस्थान के समय हाथियों की कनपटी से मन बह रहा था, उनकी कनपटी से नदी नालों के तरह मत बह रहा था। लिखा नहीं नदी नदी सारे प्रश्न में मिल गए। परंतु शिवाजी की सेना के प्रस्थान के समय सूर्य और समुद्र की दशा का उल्लेख कीजिए, ये विश्व दिया गया। उत्तर, शिवाजी की सेना के प्रस्थान के समय अधिक धूल उड़ने के कारण आकाश में चमकता हुआ सूर्य तारे के समान लग रहा था। इसी प्रकार सेना के भार से पृथ्वी के हिलने के कारण समुद्र प्रकार हिल रहा था जिस प्रकार किसी थाली में रखा हुआ